नमस्कार, हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर हेमलता, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर इंसान को खुद पर भरोसा हो और उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो वो अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को तो दूर करता ही है, साथ ही वह सफलता को भी पा लेता है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन इससे जरूर फर्क पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आपकी नज़र में आपकी कितनी वैल्यू है, आप अपने आप को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, आपको अपने आप पर कितना भरोसा है। क्योंकि अगर हमें खुद पर यकीन नहीं होगा तो हम कभी भी दूसरों के दम पर सफल नहीं हो सकते। अब सवाल ये उठता है कि खुद पर भरोसा करना कैसे सीखें। बहुत ही इजी है। जब भी लगे ना कि हमारा आत्मविश्वास डगमगा रहा है, उस वक्त अपने पास्ट में जाकर पुराने दिनों को याद करें कि कैसे हमने पास्ट में जो बुरे दिन थे उनमें सर्वाइव किया, कैसे हमने उस सिचुएशन को डील किया। खुद की गलतियों से सीखें। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हर इंसान गलतियां ज़रूर करता है, लेकिन हमें उन गलतियों से सीखना है। जो गलती हम कर चुके हैं वो बार बार दोहरानी नहीं है। अपनी कमजोरियों को, अपनी स्ट्रेंथ यानी कि ताकत को पहचानें, अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें स्ट्रेंथ में बदलें। समय समय पर अपना मूल्यांकन ज़रूर करें। दूसरे लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इस पर ध्यान देना बंद कर दें, क्योंकि हर किसी का किसी और को देखने का अपना नज़रिया होता है। खुद डिसाइड करें कि आप कैसे हैं, आपको अपने आप में क्या बदलना है। अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि अगर हम सेहतमंद होंगे तो ही लाइफ में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार कर पाएंगे। किसी और से अपनी तुलना कभी ना करें। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की लाइफ की जर्नी अलग होती है, हर इंसान की परेशानियां अलग होती है, हर किसी की लाइफस्टाइल अलग होती है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमेशा दूसरों की चीज़ों से इंस्पायर होता है और दूसरों की चीज़ों से अट्रैक्ट होता है और उनके जैसे बनने की चाह भी रखता है, लेकिन इस चक्कर में खुद को वो डीमोटिवेट भी कर देता है और डीमोरलाइज्ड करना भी स्टार्ट कर देता है। इससे क्या होता है, खुद पर भरोसा कम हो जाता है, जो हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। वो कहते हैं ना, अगर भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। तो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाएं और जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद।